हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे किया की कैरेंस आई हुई है और कैरेंस के अंदर आज जो काम करने वाले हैं वो पूरा हम बकेट सीट कवर का करने वाले हैं। उसके लिए हमको सारी सीट्स को ओपन करना रहेगा। ये जो भी आपको पीछे दिख रही हैं ये और जो भी आगे की है, इसको पूरा खोला जाएगा और फिर इसके बाद पूरा इसमें बकेट सीट को इंस्टॉल किया जाएगा। अब इसमें सीट कवर पहले से अगर आपको दिखाऊं तो जो बेसिक वाला जो मॉडल आता है उसमें तो खैर लेदराइट आता है, लेकिन जो बेसिक से ऊपर वाले मॉडल्स हैं उसमें कुछ इस तरीके से ये जो फैब्रिक प्लस लेदराइट, यहाँ पे आप देखेंगे तो लेदर है और यहाँ देखेंगे तो ये फैब्रिक है, तो ये आता है और ये जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए लोग इसको पूरा चेंज कराते हैं। तो अभी जो है गाड़ी के अंदर सारी सीटों को खोला जाएगा, फिर सीट कवर इंस्टॉल किए जाएंगे और फिर जो है इसका हम आपको लुक दिखाते हैं किस तरीके से चेंज होता है, क्या चीज़ें हम लगाने वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन चल रहा है पूरे सीट कवर का, जो कि हम कैरेंस के अंदर भी लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से जो है इसके सीट के थ्रेड्स को हमको ओपन करना पड़ता है ताकि अंदर की रॉड को जो है हम फाइंड कर लें। ये देखेंगे आप, ये जो लगे हुए हैं ना हुक्स, इसी तरीके के हुक्स हम भी लगाते हैं, बस सेम उसी रॉड के अंदर लगाते हैं ताकि बकेट फिटिंग मिल जाए। आप यह देख रहे हैं ना, ये एयर बैग्स हैं, तो यहाँ पे काटने से एयर बैग नहीं होता, एयर बैग का सेक्शन इनका पूरा यहीं पे ही होता है और वहीं से ही एयर बैग डिप्लॉय होता है, तो एयर बैग को कोई नुकसान नहीं होता इसके अंदर। और इस तरीके से पूरी कटिंग करने के बाद जो है सीटों के अंदर जो होती है, जो हमारे सीट कवर्स होते हैं उसके अंदर रॉड फिटिंग होती है। जैसे ये आपको नेफा दिख रहा है, इसके अंदर जो है अभी ये पूरी रॉड जो है इसके अंदर चले जाएगी और जो फिटिंग आने वाली है इसके बाद पूरी बकेट फिटिंग आने वाली है। यहाँ पे ये वाली जो सीट्स हैं ये अभी रेडी होने वाली है, तो अभी इनको होने देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से डिफरेंस फील कर सकते हैं आप बकेट फील और नॉन बकेट में, कि नॉन बकेट क्या होता है और बकेट क्या होता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे हम आपको बताते हैं बकेट फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग में क्या अंतर होता है। बकेट फिटिंग के अंदर हमको यहाँ पे ये जो थ्रेडिंग है इसको ओपन करके जो अंदर की रॉड है उसको फाइंड करके, जैसे कि ये रॉड आपको दिख रही होगी, ये वाली रॉड, इस रॉड में हम लोग अटैच करते हैं जो ओरिजिनल सीट कवर होता है। फुल बकेट जो होता है वो सेम इसी शेप एंड साइज़ का आता है, और अगर बकेट नहीं करते हैं तो ये सब उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर ही पहना देते हैं जैसे आप कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर स्टिचिंग कर देते हैं तो जो इसकी लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है और इसकी फिटिंग क्वालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए बकेट कराना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आपके जो सीट कवर, आप इतना महंगा सीट कवर लगा रहे हैं तो वो उसका जो बकेट फिनिश है वो भी यूज़ होता है, प्लस जो उसकी फिटिंग आती है वो भी अच्छे से होती है और ख़राब होने का डर भी नहीं रहता है इसमें, क्योंकि वो बिल्कुल टाइट और अपनी जगह पे ही रहता है। जितना ज़्यादा वेयर एंड टीयर होगा उतना ज़्यादा जो सीट कवर है वो ख़राब होता है, इसलिए इसको फुल बकेट बनाया जाता है। तो ये था फुल बकेट और जो नॉर्मल फिटिंग होती है उसमें अंतर। तो सर, किया कैरेंस के अंदर काम जो था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं किस तरीके का काम इसके अंदर हमने किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सीट कवर इसके अंदर हमने कुछ इस पैटर्न में लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइनिंग है कुछ एरो टाइप की डिज़ाइनिंग है, सिट्रॉन टाइप का लोगो बोल सकते हैं इसको, पूरा प्योर ब्लैक में है। प्लस यहाँ पर जो है एयर बैग फ्रेंडली भी है ये चीज़, यहाँ से एयर बैग जो है इजीली डिप्लॉय हो जाते हैं। हम आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो एरिया जो हमने जो पूरा खोला हुआ है वो सिर्फ इसीलिए खोला हुआ है क्योंकि यहीं पे जो है एयर बैग लगा हुआ है। यहाँ पे आप अगर इसको अपनी गाड़ी में छू के भी देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ है, तो वो जो है वो एयर बैग ही है पूरा, और वो यहाँ की थ्रेडिंग को खोल के बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है हमने पूरा इसको ओपन ही कर रखा है, और ये पहले से भी लेदराइट ही रहता है क्योंकि ये कंपनी का रहता है, तो इसमें पहले से ही लेदर रहता है तो करने की ऊपर से कोई ज़रूरत नहीं है और इजीली क्लीन भी हो जाएगा ये चीज़। ये जो है अभी हम आपको ड्राइवर सीट दिखा रहे थे, अभी हम आपको को ड्राइवर पीछे की सीट्स भी दिखाते हैं जो फुल बकेट तरीके से हमने अभी इंस्टॉल करी हुई हैं। तो आइए चलते हैं पीछे और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ये जो आप सीट्स देख रहे हैं, वाइड एंगल शॉट ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप सीट्स देख रहे हैं ये भी पूरी फुल बकेट में ही लगाई गई है, जिसमें आपको यहाँ पे जितने भी आपके जो क्या बोलते हैं इसको, तो ये जो सीट बेल्ट हैं यहाँ पे आप इजीली अपने लगा सकते हैं। ये देखिए सारे सीट बेल्ट के लिए जो है ऑप्शंस दिए रहते हैं इधर, और पीछे जो है चेन लगी रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेन वाला सिस्टम है पूरा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों साइड में चेन लगी रहती हैं। और जो बकेट सीट कवर का फील होता है वो आपको इसी में ही आता है। यहाँ पे हम बैठेंगे गाड़ी के अंदर जो ओरिजिनल फील था एज इट इज़ वैसे ही रहता है। जो पीछे की सीट्स हैं वो भी हम आपको नोटिस कराते हैं, इसमें भी फुल बकेट करी गई है, तो जो आपका वेयर एंड टीयर है पीछे से आगे तक की कोई सी भी सीट का वो अब होगा नहीं, और अगर वो नहीं होगा तो सीट जो है ख़राब भी नहीं होगी। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पूरा आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ हमने जो है कंप्लीट करके लगाया हुआ है,
आइए चलते हैं को ड्राइवर सीट पे और वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ आ गए हम को ड्राइवर सीट पे, हम आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पे भी एयरबैग का प्रोविज़न है, तो सेम जो चीज़ें हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पूरा ओपन करके रखा हुआ है। और जो डिज़ाइनिंग है पूरी सीट्स की आगे से लेकर पीछे तक की आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम मिलेगी। लैमिनेटेड नापा मटेरियल हम ये यूज़ करते हैं, और ये जो मटेरियल होता है पूरा लेदराइटी मटेरियल होता है, और ईजीली जो है इसको हम फिट कर सकते हैं किसी भी गाड़ी में। बहुत सारे जो डिज़ाइंस होते हैं और हर गाड़ी का अलग सीट कवर्स आता है, तो उस हिसाब से हमने इसको लगाए हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं मोडेस्टो की 7D मैटिंग लगी हुई है। अगर आपको भी इस तरीके का काम आपकी कैरेंस या किसी और गाड़ी में कराना है तो आप भी करा सकते हैं, और आ सकते हैं स्टार कार डेकोर एंड एक्सेसरीज में, और आप भी करा सकते हैं इस तरीके का काम आपकी गाड़ी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।